सुप्रभात साथियों, आज हम हिंदी की इस कक्षा में हिंदी भाषा की उत्पत्ति व विकास के बारे में अध्ययन करेंगे। इससे पहले हम ये बिंदु शुरू करें, उससे पहले पिछली कक्षा की जो एक चीज रह गई थी, जैसे एक भाषा, हम भाषा के प्रकार पढ़ रहे थे, भाषा के हमने प्रकार लिखे थे, मैं आपको एक बार पुनः बता देता हूँ, भाषा के प्रकार। और ये भाषा के जो प्रकार थे हमने पढ़े थे, तीन प्रकार पढ़े थे। एक तो हमने पढ़ा था मौखिक, भाषा का एक प्रकार हमने पढ़ा मौखिक। दूसरा हमने पढ़ा लिखित और तीसरा हमने पढ़ा सांकेतिक। सांकेतिक, एक बात यहां से एक प्रश्न आता है, उस पर गौर करने वाली बात है। वो प्रश्न ये आता है कि इन तीनों रूपों में, यानी भाषा के इन तीन टाइप में सबसे कठिन कौन सा है, सबसे सरल कौन सा है, ये बात पूछी जाती है। तो मैं आप लोगों को सीधा सीधा बताऊं तो मौखिक जो भाषा है, ये भाषा का सबसे क्या होता है, सरल रूप होता है। भाषा का सबसे सरल रूप यानी कि मौखिक भाषा होती है, सबसे सरल होती है। और सबसे जो कठिन की बात आई तो सबसे कठिन जो भाषा है वो है सांकेतिक भाषा। और ये जो लिखित भाषा है ये दोनों रूपों में होती है, ये सरल भी होती है और ये कठिन भी होती है। अब इस चीज को थोड़ा सा आप समझ ले, यानी मौखिक भाषा सबसे सरल क्यों होती है कि यहां पर कहने वाला अपनी बात कहता है, मतलब मुख के माध्यम से मौखिक रूप से अपनी बात कहता है और अगला बंदा समझ जाता है, हूबहू से समझ जाता है, तो ये एक तरीके से बिल्कुल सरल है। यहां पर पढ़े लिखे होने की भी आवश्यकता नहीं है, तो ये मौखिक रूप है इसलिए इसे सबसे सरल बताया गया है। और सांकेतिक रूप को सबसे कठिन इसलिए बताया गया है क्योंकि संकेतों में अनिश्चितता होती है, यानी सांकेतिक भाषा में जो संकेत होते हैं वो क्या होते हैं, अनिश्चित होते हैं, यानी कि इसमें संकेत निश्चित नहीं होते। ये कोई जरूरी नहीं है कि हर एक जो संकेत होता है वो केवल उसी के लिए काम लिया जाए, है ना। एक तो ये हो गया, इसमें संकेत अनिश्चित होते हैं, और दूसरी बात यहाँ ये भी गौर करने वाली बात है कि संकेतों में भी पूर्व जानकारी होनी चाहिए कि ये संकेत इसके लिए काम आता है, तब ये चीज समझ में आती है। तो इसलिए सांकेतिक भाषा भाषा का सबसे कठिन रूप है। एक उदाहरण के तौर पर हम समझ सकते हैं, जैसे क्रिकेट का कोई क्रिकेट का गेम है, उसमें अंपायर एक उंगली खड़ी करता है, एक उंगली खड़ी करता है, और उस उंगली का अर्थ, ये सब अर्थ होता है, स्पष्ट है, संकेत है कि खिलाड़ी आउट हो गया, लेकिन ये तब पता चला जब हमें पता है कि उंगली खड़ी करने का अर्थ यहाँ आउट होना है। तो ये संकेतिक में पहले ज्ञान भी होना जरूरी है, तो ये थोड़ी सी ध्यान रखना, ये सबसे कठिन रूप है। और लिखित की जब हम बात करेंगे, ये सरल भी है ये कठिन भी है। कारण स्पष्ट है कि सरल क्यों है कि पढ़े लिखे व्यक्तियों के लिए, लिखी हुई मतलब पढ़ा हुआ व्यक्ति लिखी हुई चीज को पढ़ लेगा तो ये सरल हो गया, लेकिन जो अनपढ़ लोग हैं, निरक्षर लोग हैं, वो पढ़ नहीं पाते, उनके लिए लिखित भाषा कठोर माध्यम होगी। तो ये मैंने दो बातें आपको बताई। अब अपना अगला अध्याय के रूप में हम शुरू करते हैं, भाषा के प्रकार पढ़े। प्रश्न इनमें से अगर कोई आ जाए कठिन का तो सांकेतिक हो जाएगी, सरल का तो अपनी मौखिक हो जाएगी, और वो दोनों ही रूपों में। अब अपन पढ़ते हैं हिंदी भाषा। अब हिंदी भाषा की हम यहां पढ़ेंगे उत्पत्ति व विकास। हिंदी भाषा की उत्पत्ति व विकास, हिंदी भाषा का यहां मैंने सीधा लिख दिया उत्पत्ति व विकास, यानी हिंदी भाषा अपना बिंदु है, उत्पत्ति और विकास हम पढ़ेंगे। जब उत्पत्ति कहां से हुई हिंदी की, और ये लगातार विकसित होकर मूल रूप में हिंदी क्या थी, मैंने आप लोगों को पहले ही एक बात बताई थी कि भाषा क्या होती है, परिवर्तनशील होती है, भाषा परिवर्तनशील होती है। विशेषता में मैंने आप लोगों को ये बता दिया है, किसी भी भाषा का अंतिम स्वरूप नहीं होता। इस वजह से क्या है कि भाषा परिवर्तनशील है, और दूसरी बात ये भी ध्यान रखनी है, मैंने आपको बताया था कि ये भाषा मूल रूप में कहां से आई और वर्तमान स्वरूप में कैसे पहुंची, ये विकास क्रम हम यहां पढ़ने वाले हैं। तो क्रमिक विकास हम पढ़ते हैं, हिंदी भाषा की उत्पत्ति उत्पत्ति व
क्रमिक विकास, तो उसको इस प्रकार पढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ये हिंदी भाषा कहां से आई, तो मैं एक शब्द लिख रहा हूं यहां पर संस्कृत। सबसे पहले हिंदी भाषा कहां से आई, यदि संस्कृत शब्द मैंने लिखा है संस्कृत, और संस्कृत के बाद यानी कि ये जिस स्वरूप से यानी बदली, तो संस्कृत के बाद ये बदलती है पाली, पाली के बाद ये आती है प्राकृत में, प्राकृत के बाद अपभ्रंश, अपभ्रंश और अंतिम स्वरूप में हिंदी, अंतिम स्वरूप में हिंदी। यह था भाषा का विकास क्रम पूरा का पूरा। यानी सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं कि अपनी जो हिंदी है किससे, कहां से शुरू हुई है, संस्कृत से। इसलिए देखो मूल भाषा की जब भी बात की जाएगी, संस्कृत है भारतीय भाषाओं की, सभी भाषाओं की मूल भाषा संस्कृत है, और इसलिए संस्कृत को ही सभी भाषाओं की क्या कहा जाता है, जननी कहा जाता है। तो आप थोड़ा सा ध्यान दें इसी क्रम को हम आगे बढ़ाते हुए, सबसे पहले संस्कृत, संस्कृत से पाली बनी, और पाली से क्या बनी, प्राकृत बनी, यानी इसी से निकली, और प्राकृत से अपभ्रंश निकली, और अपभ्रंश से क्या हुआ, हमारी जो हिंदी है वर्तमान हिंदी, आधुनिक हिंदी अस्तित्व में आई। तो अब इस क्रम में एक लंबा चौड़ा समय लगा, और उस समय की अपन बात करते हैं। सबसे पहले संस्कृत की जब अपन बात करेंगे, तो एक चीज यहाँ नोट करने वाली है, काल की, यानी कि ये किस काल से बदलती हुई आई। तो सबसे पहले ये संस्कृत की बात करें, वेदों में, वैदिक अगर मतलब आप लोगों ने थोड़ा इतिहास की भी अगर आपको जानकारी है, तो इतिहास में अपने काल पढ़ते हैं वैदिक काल, है ना, और वैदिक काल के बाद, वैदिक काल को भी दो भागों में, उत्तर वैदिक काल, उससे पहले वैदिक मतलब ऋग्वेद काल, और फिर उत्तर वैदिक काल। तो उसी प्रकार में यहां पर भी इसके भी दो पार्ट है, मैं यहां लिख रहा हूं संस्कृत, इसका काल, ये इसका जो काल है 1500 ईस्वी पूर्व से, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, यानी कि संस्कृत भाषा का जो काल है, यानी ये किस समय थी अपने मूल स्वरूप में, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। अब अगली बात करें अपन पाली की, तो पाली को इधर लेते हैं 500 ईस्वी पूर्व से एक ईस्वी पूर्व तक, एक ईस्वी पूर्व नहीं होगा यहाँ, एक ईस्वी तक होगा, एक ईस्वी तक। देखो संस्कृत की बात 1500 से 500 तक, और पाली की 500 ईस्वी पूर्व से एक ईस्वी तक। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्राकृत को, तो प्राकृत को भी लेंगे एक ईस्वी से 500, एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक, एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक, ये हो गया। अब इसके बाद अपभ्रंश का जो काल पढ़ेंगे हम 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, और 1000 ईस्वी के बाद अपनी हिंदी अस्तित्व में आई, तो ये हो गया 1000 ईस्वी से अब तक। ये था पूरा हिंदी का विकास क्रम, यानी कि पूरा काल हो गया। लगभग अपन इस काल की बात करें तो 3500 से अधिक का समय हो गया। तो अब देखो संस्कृत भाषा का काल 1500 से 500 ईस्वी पूर्व है, वैदिक काल का ये काल है पूरा का पूरा, हम अच्छी तरह से जानते भी है। और उसके बाद हमने ये चर्चा की है कि पाली संस्कृत से पाली अस्तित्व में आई, और पाली का जो काल है 500 ईस्वी पूर्व से ये एक ईस्वी तक, 500 ईस्वी मतलब 500 ईस्वी पूर्व से एक ईस्वी तक है। और उसके बाद हमने ये पढ़ा कि प्राकृत एक ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और ये अपभ्रंश 500 ईस्वी से ये 1000 ईस्वी तक, और हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक, यानी अब तक ये हिंदी है अपनी। तो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। प्रश्न पूछा जाता है कि हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, तो मूल संस्कृत जहां से निकली है, संस्कृत से फिर
पाली में बदली और पाली से प्राकृत में, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी। ये पूरा का पूरा काल लगभग हमने अभी बात की 3,500 वर्ष का जो काल है। इसमें भी दो और महत्वपूर्ण बात मैं बता देता हूँ, ऐतिहासिक दृष्टि से भी बहुत अच्छी है और अपने अच्छी अपनी मतलब अब हिंदी से के लिए भी बहुत अच्छी है। तो देखो संस्कृत की अपन जब भी बात करेंगे तो ये संस्कृत भी अपने दो रूपों में होगी। एक तो ये वैदिक संस्कृत है, वैदिक, और मैं यही लिख रहा हूं। दूसरी है लौकिक। ये संस्कृत के भी दो स्वरूप है, वैदिक और लौकिक। ये महत्वपूर्ण है क्योंकि हमारी ये जब पाली इस संस्कृत से निकलती है वो इस लौकिक संस्कृत से निकलती है, न कि वैदिक संस्कृत से। वैदिक संस्कृत जटिल थी, कठिन थी, और इस वैदिक संस्कृत से लौकिक संस्कृत अस्तित्व में आई और इस लौकिक संस्कृत से पाली निकली। और फिर पाली की अपन बात करेंगे तो आपको ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बात मैं यहाँ बता देता हूँ। पाली का अपन जब काल की बात करेंगे इस समय बहुत धर्म से संबंधित चीजें आती थी, तो एक चीज ध्यान रख लेना, पाली जो ये भाषा है, ये पाली भाषा है, तो ये एक मैं आप लोगों को बता देता हूं, बौद्ध साहित्य सारा का सारा इसमें लिखा गया है। बौद्ध साहित्य वो लिखा गया है पाली भाषा में, है ना। बौद्ध धर्म का प्रमुख ग्रंथ है त्रिपिटक, हम सब जानते हैं त्रिपिटक, है ना, सूत पिटक, अभिधम्म पिटक, विनय पिटक, है ना। तो बौद्ध धर्म का जो साहित्य है पाली भाषा में लिखा गया है। इस संस्कृत से अगली जो भाषा बनी पाली, उस पाली के अंदर ही बौद्ध साहित्य लिखा हुआ है। बुद्ध के जो सारे उपदेश वगैरह सभी इनमें संकलित है। अभी मैंने आपको बताया तीन पिटक, पिटक को टोकरी कहा जाता है, ऐतिहासिक बातें हैं। और उसी के अंदर पहला जो पिटक है उसको पांच निकायों में बांटा गया है। खुद्दक निकाय है उसमें, एक सुंत निकाय है, दिग् निकाय है, एक उसमें अगुंतर निकाय है। अगुंतर निकाय के अंदर जो वर्णन मिलता है हमें 16 महाजन पदों का उल्लेख मिलता है। तो ये मैंने आपको बताया पाली भाषा के अंदर बौद्ध साहित्य लिखा गया है और ये काल 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक है, ठीक है। अब उसके बाद अपन बात करेंगे प्राकृत भाषा की, तो यहाँ पर भी एक महत्वपूर्ण बात है, जब बौद्ध साहित्य यहाँ पर पढ़ा है, बचा हुआ साहित्य ध्यान रखना जैन साहित्य है ना, जैन साहित्य इसमें लिखा गया है और जैन साहित्य को कहा जाता है आगम, है ना, आगम। तो मैं ये लिख रहा हूं जैन साहित्य की जो भाषा है वो कौन सी है, प्राकृत। जैन साहित्य की भाषा है प्राकृत है, और वैसे ये जनभाषा भी, ये धीरे धीरे जनभाषा के रूप में भी प्रचलित होने लगी, तो ये भी हमें ध्यान रख लेना है कि प्राकृत, प्राकृत के अंदर आगम लिखा हुआ है और आगम जैन साहित्य को कहा जाता है ना, आगम निगम, निगम वेदों को कहा जाता है और आगम जैन साहित्य को कहा जाता है। प्राकृत के बाद अपभ्रंश, और अपभ्रंश की जब अपन बात पढ़ेंगे तो यहाँ ये शब्द भी है ना टूटा फूटा हुआ। अपभ्रंश शब्द का अर्थ है भ्रंश यानी वलन, टूटना, है ना, किसी भी धरातल में जब टूट जाती है उसका जो स्थल खंड या पहाड़ पर्वत जो भी उसमें दरारें बीच में आ जाती है तो उसे भ्रंश कहते हैं। और यहाँ भ्रंश का मतलब है ये भाषा अपने मूल स्वरूप से टूटी फूटी हुई यानी बिगड़ती हुई अलग अलग रूपों में आ गई, तो ये यहाँ पर क्या हो गई अपभ्रंश, यानी इससे प्राकृत से क्या अस्तित्व में आई अपभ्रंश 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और यहाँ 1000 ईस्वी तक अब अपभ्रंश की बात करेंगे तो यहाँ मूल चीज यही रहेगी, ये लोक भाषा थी, लोक भाषा, और अब इसी से हमारी हिंदी अस्तित्व में आई हिंदी। और हिंदी 1000 ईस्वी से अब तक, यानी अब तक हमारा जो काल चल रहा है यह काल आता है हमारी हिंदी में, तो इसके अंदर आएगा आधुनिक हिंदी व उनकी भाषाएं, है ना। मैं यहां लिख रहा हूं आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी व अन्य आर्य भाषाएं इसमें आती है, अन्य आर्य भाषाएं आधुनिक हिंदी व अन्य आर्य भाषाएं यहां पर आती है। तो ये बहुत अच्छी बात मैंने आप लोगों को यहाँ बताई है इस पूरे के पूरे कार्यक्रम को, तो ये हिंदी की उत्पत्ति। अब सीधा सीधा प्रश्न अगर ये आ जाए कि हिंदी की मूल भाषा कौन सी है, संस्कृत है, अब प्रश्न में आ जाए हिंदी की उत्पत्ति किससे हुई है, अपभ्रंश ऑप्शन है, तो सबसे पहले हमें इसके नजदीक उत्तर, मूल तो ये है, अगर इनमें ये न हो पाली हो प्राकृत हो अपभ्रंश और हिंदी हो तो नजदीक वाला लेना अपभ्रंश, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख ले हिंदी की उत्पत्ति अपभ्रंश से हुई है। अपभ्रंश की भी अपन अभी थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ेंगे, इसके भी कई प्रकार है, उन प्रकारों से भी हिंदी निकली है, सौरसेनी मागधी की बात करेंगे, अब मागधी अर्ध मागधी उनसे,
तो एक बार हिंदी भाषा का हम उत्पत्ति विकास पढ़ रहे हैं। हिंदी भाषा की उत्पत्ति विकास का क्रमिक विकास हमने पढ़ा। संस्कृत से पाली बनी, पाली से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश, अपभ्रंश से हिंदी, वर्तमान हिंदी अस्तित्व में आई। और ये काल हमने पूरा का पूरा पढ़ लिया है। संस्कृत दो रूप है, वैदिक और लौकिक। पाली में क्या लिखा है? बौद्ध साहित्य। प्राकृत में क्या है? आगम यानी जैन साहित्य। अपभ्रंश लोक भाषा थी यानी जन भाषा। और हिंदी अभी जो हम हिंदी पढ़ रहे हैं। अब इसी से रिलेटेड मैं आप लोगों को चीज थोड़ा सा इसको हम विस्तार देते हैं ताकि समझने में थोड़ी सहूलियत हो और कुछ और प्रश्नों के उत्तर भी हमें वहां मिलने वाले हैं। अब मैं ये बता रहा हूं आप लोगों को, देखो हिंदी भाषा के विकास के 3,500 वर्षों से अधिक काल के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है। लाइन बड़ी हो गई है लेकिन इसमें सिर्फ दो चीज याद रखनी है। हिंदी भाषा के विकास की बात करें, इसका लंबा चौड़ा काल है 3,500 वर्षों के अधिक का काल है। उस काल के इतिहास को तीन भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। और इन तीन भागों को हम क्रमिक पढ़ते हैं। इन भागों में क्या क्या आता है उन्हीं को पढ़ते हैं। अगर आपने पीछे वाला काल अगर ध्यान से पढ़ा है तो बड़ा ही सरल हो जाएगा। सबसे पहले मैं एक नंबर बिंदु यहां लेना चाहूंगा। जैसे मैं एक नंबर ये इसका तीन भागों में एक भाग ले रहा हूं, वो है आधुनिक नए लेकर के। देखो तीन पार्ट है, एक तो प्राचीन, एक मध्यकालीन, एक है आधुनिक। तो सबसे पहले हम प्राचीन लेते हैं। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये इसका पहला अपन कह सकते हैं ये भाग है, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। सीधी सीधी बात है, इसमें वही काल लिखना है आप लोगों को जिसमें आपने संस्कृत को लिखा है। तो ये हो जाएगा 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक। ये इसका पूरा दायरा आ गया। और इस दायरे में हमने अभी अभी चर्चा की है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व हमारे यहाँ प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, हम आर्य थे ये शोर है। और ये भी मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया है कि ये जो संस्कृत थी आर्यों की भाषा थी, इसलिए इसे आर्य भाषा भी कहा जाता है, आर्य भाषा, ठीक है। और देव भाषा भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो वैदिक साहित्य सारा इसमें लिखा गया, ब्राह्मण ग्रंथ वगैरह लिखा गया। तो 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक का ये जो काल है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल है। और इसमें हमें इसमें मूल बात है हमारी जो भाषा थी वो कौन सी थी, हमें अच्छी तरह से पता है वो थी संस्कृत। और संस्कृत के भी यहां मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं और एक बार पुनः बताता हूं क्योंकि यहां थोड़ा हमें देखना होगा। संस्कृत के भी दो यहाँ प्रकार हो गए थे और वो एक तो कौन से समय निकलते हुए, एक तो हो गया वैदिक पहला ही था ये। और उसके बाद अपन बात करेंगे यहाँ जो अगला रूप है अपना लौकिक। लौकिक अब इसी काल विभाजन को दो रूपों में किया जा सकता है, 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व ये पूरा है संस्कृत। और इसको अगर दो पार्ट में अपन बांट सकते हैं, 1500 से तो ये शुरू हुआ 1500 ईस्वी पूर्व है, और 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व है, 1000 ईस्वी पूर्व तक, 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक वैदिक है ना। और इसी प्रकार सेम जब अपन इंडियन हिस्ट्री पढ़ते हैं, कोई भी इतिहास पढ़ते हैं, तो उसमें वैदिक काल आता है। और वैदिक काल को भी दो भागों में बांटते हैं, तो ऋग वैदिक काल, तो ऋग वैदिक काल ये यहाँ वैदिक रूप में हो गया, और बाकी जो अगला काल है इस रूप में लौकिक रूप में उत्तर वैदिक।
तो ये ध्यान रखें लौकिक, और लौकिक का जो समय रहेगा बचा हुआ समय क्या बचा हुआ इधर, हजार, हजार से 500, 15,000 तक कम आई गए, तो हजार ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक, 500 ईस्वी पूर्व तक का काल कौन सा हो गया लौकिक। बहुत सरल है, संस्कृत दो भागों में वैदिक लौकिक, इसी पार्ट में दो डिवाइडेशन हमने किया, दो भागों में बांट दिया, एक तो वैदिक 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक और लौकिक 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी पूर्व। अब देखो ध्यान दो यहां इसमें फर्क क्या है, वैदिक और लौकिक में क्या फर्क है, गौर करने वाली बात है, इतना सा फर्क है कि संस्कृत जब अपने मूल रूप में थी तो वो वैदिक में थी, वैदिक जो ये मैंने आपको काल बताया है यानी संस्कृत, वैदिक संस्कृत, और वैदिक संस्कृत में ऐतिहासिक दृष्टि से तो कहा जाता है इसमें केवल एक ही वेद लिखा गया, लेकिन यहां अपन हिंदी की दृष्टि से पढ़ेंगे तो यहां पर सारे वेद लिखे गए, उपनिषद लिखे गए। तो मैं यहां बता देता हूं आप लोगों को, यहां जो लिखे गए एक तो वेद हो गया, उपनिषद, उपनिषद यहां लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ भी यहां लिखे गए, आरण्यक ग्रंथ लिखे गए, वेद हो गया, उपनिषद हो गया, आरण्यक ग्रंथ हो गया, ये जो ग्रंथ है सारे ब्राह्मण ग्रंथ कह सकते हैं अपन, ब्राह्मण, ब्राह्मण ग्रंथ ना, ब्राह्मण ग्रंथ, ऐत्रेय, तैत्तिरेय, शतपथ, गौपथ, ये सारे जो ब्राह्मण ग्रंथ है इसी में लिखे गए। तो वैदिक संस्कृत यानी कठिन थी, ये हर किसी के समझ में नहीं आती थी, मूल रूप में थी, तो वेद, उपनिषद और आरण्यक और ब्राह्मण ग्रंथ जैसे कठिन जो जटिल ग्रंथ थे पहले ही लिखे जा चुके थे, तो ये वैदिक संस्कृत में लिखे गए। अब वैदिक से लौकिक में क्या लिखना है ये थोड़ा ध्यान दें, लौकिक के अंदर ये जो संस्कृत है थोड़ी सरल रूप में लोगों के प्रचलन में, लोगों को अच्छी तरह से समझ में आए इस अस्तित्व में आ गई थी, तो यहाँ के जो प्रमुख मैं लेखक लिख देता हूं तो उससे आप समझ जाओगे। जैसे यहाँ एक तो हम वाल्मीकि की चर्चा करते हैं, वाल्मीकि व्यास हो गया, और एक माघ जो कवि है, माघ है ना, माघ कवि हो गया, वाल्मीकि, व्यास और माघ, ये जो कवि थे ये यहाँ लौकिक, कालिदास इसमें आता है, कालिदास भी इसी में आते हैं, कालिदास। अब आप लोगों को पता है, आप सब लोग जानते हो, बताने की आवश्यकता नहीं है, लौकिक मैंने आपको बताया, वाल्मीकि का जब भी नाम आए रामायण कोई नहीं भूल सकता, तो रामायण के रचयिता, तो अब मैं ये कह सकता हूँ आप भी समझ गए कि रामायण की रचना किस संस्कृत में हुई, लौकिक संस्कृत में हुई, ताकि लोग भी इसे पढ़ सके और समझ में आ सके, जटिल नहीं थी। और उसके बाद व्यास की बात करें तो व्यास का नाम आएगा तो हमें पता है महाभारत की रचना, तो लौकिक साहित्य में जो लिखा गया साहित्य में तो रामायण हो गया, महाभारत हो गया। माघ कवि की बात करें, हमें हमारे राजस्थान से जुड़े हुए कवि है, भीमाल से, जालौर से, माघ कवि शिशुपाल वध है ना, उनकी रचना शिशुपाल वधम उनकी रचना है, मैं लिख देता हूँ वाल्मीकि की तो रामायण हो जाएगी, रामायण, और व्यास की महाभारत, प्रमुख कृति महाभारत, और माघ की बात करेंगे शिशुपाल वधम, शिशुपाल वधम इसकी हो जाएगी, और कालिदास को कौन नहीं जानता, संस्कृत के महान कवि कालिदास है ना, मेघदूत, रघुवंश, कुमार संभव, मालविका, अग्निमित्र, ये जो ये इन्होंने लिखे जो सारे नाटक और इनकी काव्य रचनाएं वो किस भाषा में थी, लौकिक भाषा में थी। तो हमने दो महत्वपूर्ण कड़ी पटी एक ही काल पढ़ रहे हैं, प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल, ये 1500 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक था, और संस्कृत यहाँ दो रूपों में, यानी पहले का काल 1500 से 1000 ईस्वी तक को थी वैदिक, और वैदिक में वेद, उपनिषद, आरण्यक, ब्राह्मण ग्रंथ लिखे गए। लौकिक स्वरूप में जब ये आई 1000 ईस्वी से 500 ईस्वी, कुछ सरल हुई इससे, तो इसके अंदर वाल्मीकि ने यहाँ पर रामायण की रचना कर दी, और व्यास जी ने महाभारत की, और है ना इसी संस्कृत में लिखी गई, और माघ कवि है शिशुपाल वधम, ऐसे अनेक और भी कवि है, और कालिदास, मेघदूत, कुमार संभव, रघुवंश, मालविका, अग्निमित्र और विक्रमाशोरियम, तो ये सारी जो रचनाएं यहाँ पर लिखी गई। एक चीज भी ध्यान दे, यानी इसी लौकिक साहित्य के अंदर भी एक अपने महान व्याकरणकार हुए जिनका नाम है पाणिनि ने ही क्या किया, अष्टाध्यायी नामक व्याकरण ग्रंथ लिखा, तो वो भी इसी में पाणिनि, और इनकी जो रचना है बहुत प्रसिद्ध है अष्टाध्यायी 18 अध्याय, तो अष्टाध्यायी इसमें, सॉरी 8 अध्याय, तो पाणिनि अष्टाध्याय, ठीक है। तो ये व्याकरण ग्रंथ है इन्होंने लिखे है ना,
और एक कात्यायन नामक विद्वान भी इसी काल का आता है, कात्यायन, कात्यायन। ठीक है, तो ये था लौकिक साहित्य का स्वरूप। अब हम अगले काल पर चलते हैं, इसका दूसरा पार्ट है ये। मैं आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। हिंदी भाषा के विकास के 3500 वर्षों के अधिक के काल के इतिहास को 3 भागों में बांटते हैं। पहला पार्ट पूरा किया प्राचीन भारतीय आर्य भाषा काल। अब प्राचीन के बाद में आएगा मध्यकालीन, मध्यकालीन आर्य भारतीय आर्य भाषा काल। दो नंबर मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल। जब इस काल को हम पढ़ेंगे तो यहां पर पहले भी हम पढ़ चुके हैं, वो तीनों जो स्वरूप थे वो आएंगे यहां पर। मैं काल लिखता हूं आपको पता चल जाएगा स्वरूप कौन कौन से हैं। वहां हमने उसकी लास्ट कड़ी को छोड़ा 500 ईस्वी पूर्व है, और ये 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक जाएगा, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी तक। यानी कि सीधी सीधी बात है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा काल के अंदर वो तीनों भाग आ जाएंगे। सबसे पहले हमने पढ़ा विकास क्रम, पढ़ा संस्कृत, संस्कृत के बाद हमने पढ़ा क्या, पढ़ा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तीनों की तीनों इसमें आएंगे। तो इसका डिवाइडेशन अगर करें तो ये तीन रूप में थी, तीन भाषा थी। मैं यहां लिख रहा हूं एक नंबर पाली, ये लो हमने पाली लिखा। उसके बाद यहां पर अपन बात करेंगे दो नंबर प्राकृत, प्राकृत का काल इसमें भी आएगा, और तीन नंबर की अपन बात करेंगे तो हमारी हो जाएगी अपभ्रंश, अपभ्रंश। अब ये यहां पर इस एक ही काल में आते हैं मध्यकालीन में, ये हो गया पाली, ये प्राकृत, और ये हो गया अपभ्रंश। अब यहां इस काल को भी अपन छोटे छोटे रूपों में बांट सकते हैं, 500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व, वहां पर हमने बांट कर पहले लिखा हुआ भी है, अच्छी तरह से हमने इसे पढ़ भी लिया है कि पाली को हम 500 से कहां तक ले जाएंगे, 500 ईस्वी पूर्व से ले जाएंगे अपन इसको 1 ईस्वी तक, ईस्वी तक, और इसे हम कहां ले जाएंगे, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 500 ईस्वी तक, और इसको ले जाएंगे। अब हमें पता है लास्ट हमें 1000 तक जाना है, तो 500 ईस्वी से 1000, 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। अब ये देखो तीन प्रकार के टाइप हो गए, पाली 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, इसी काल को बांट दिया हमने 500 से 1000 ईस्वी तक के पूरे काल को तीन भागों में बांटा, पहला पाली, दूसरा प्राकृत, तीसरा अपभ्रंश। 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी पूर्व तक, 1 से 500 और 500 से 1000 ईस्वी तक हम पहुंच गए, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। पहले भी मैंने आपको बता चुका हूं पाली के अंदर जो साहित्य लिखा गया कौन सा था, बौद्ध साहित्य यहां पर लिखा गया, तो उसकी तो यही बात दोबारा है, बौद्ध साहित्य, बौद्ध साहित्य। और जब अपन पढ़ेंगे प्राकृत के बारे में तो यहां पर ये जो प्राकृत है ये इसके पांच भेद थे, तो इन पांचों भेदों को हम पढ़ें। प्राकृत के कितने भेद थे, पांच भेद, इधर लिख रहा हूं मैं प्राकृत के पांच भेद, ये जो प्राकृत थी इसके कितने भेद थे, पांच भेद, प्राकृत के पांच भेद, पांच भेद, प्राकृत के पांच भेद। यानी ये जो प्राकृत भाषा थी इसके भी पांच भेद हो गए थे, इन पांचों भेदों से ही आगे हमारा जो स्वरूप निकलेगा हिंदी का बात करेंगे। सबसे पहले मैं यहां लिख रहा हूं एक नंबर भेद यहां पर प्राकृत का, सौर श्रेणी, सौर श्रेणी। अभी हम यहां प्राकृत पढ़ रहे हैं, सौर श्रेणी एक नंबर, सौर श्रेणी। अगर उसके बाद अपन बात करेंगे दो नंबर की तो वो हो जाएगा पैसाची, 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 और पैसाची के बाद महाराष्ट्री, महाराष्ट्री,
महाराष्ट्र के बाद मागधी, मागधी और मागधी के बाद अर्ध मागधी। यहां ये पढ़ना बहुत जरूरी है क्योंकि जब हम अभी थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे अपभ्रंश को, अपभ्रंश को जब पढ़ेंगे तो इसी के सात भेद होते हैं और उन सात भेदों के अंदर ही हम पढ़ेंगे किसको, ये पांच तो वही होंगे और दो उसके साथ जुड़ेंगे। तो अब सबसे पहले हम प्राकृत के पांच भेद हम पढ़ रहे थे और उन भेदों को सौर सेनी, जब भी बात आए सौर सेनी की तो एक इलाका है उत्तर प्रदेश में सूरसेन, है ना, मथुरा, यानी ये भाग था, ये था सौर सेनी का मथुरा। और पैशाची की बात करेंगे अपन तो सिंध प्रदेश, सिंध प्रदेश यानी कि पहले जो सिंध था वो अपने अखंड भारत में था, अब पाकिस्तान में चला गया। महाराष्ट्री से यानी ये जो क्षेत्र था ये तो हमें पता ही चल रहा है महाराष्ट्र। और मागधी से मगध, मागधी से हो जाएगा मगध। अब मागधी में मगध झारगना, ये इसी शब्द से मगध से ही मागधी बना, मगध के ई प्रत्यय जुड़ने के बाद ये बना है मागधी, ठीक है। और अर्ध मागधी की जब अपन चर्चा करेंगे तो ये भी पूरा का पूरा जो पार्ट है हमें पढ़ने को मिलेगा। कौशल जो प्रदेश है ये आता था कौशल प्रदेश। और एक बात आपको भूलनी नहीं है क्योंकि ये जो प्राकृत भाषा थी इसी के अंदर मैंने आपको पहले भी बता दिया है जैन साहित्य लिखा गया था, जैन साहित्य को आगम कहते हैं और आगम प्रकीर्ण और कई रूपों में बंटा हुआ है, छेद सूत्र, छंद सूत्र और मूल सूत्र, उनके अंदर ये पूरा का पूरा बंटा हुआ है। तो ये प्राकृत भाषा से हमने लिया 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, इसके प्राकृत के पांच भेद थे जैन साहित्य। मैंने आपको लोगों को बताया इसमें लिखा गया है सौर सेनी, सूरसेन, मथुरा, पैशाची, सिंध और ये क्या महाराष्ट्री, महाराष्ट्र क्षेत्र में, मागधी मगध में, अर्ध मागधी कौशल प्रदेश में।